So coming back to our next lecture, yesterday we have seen about the ionic bond, that is the first kind of or first class of bonding, and in which we have seen that the bond which is formed between the two atoms by transfer of ions is called as which bond? Ionic bond. Now here today we are going to see some properties of ionic bond. कि जब ionic bond की मदद से या ionic bond के जरिए जो bonding बनती है, जो atom जन्म में आते, चाहे कल की example में sodium chloride हो या और जो है तो metals और non-metals हो, जिसके अंदर कौन सी किस्म की bonding पाई जाती? Ionic bonding पाई जाती. उनके अंदर which property is strong, which property is weak, or what is the behavior of the different properties in case of this molecule or in case of substances in which there is the presence of ionic bonding. समझ में आ गया आज का आर्टिकल क्या देखना है हमारे को? मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आयोनिक बॉन्ड के, या वो सब्सटेंसेस या वो मॉलिक्यूल जो आयोनिक बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं या जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है. Isn't it? वो सॉलिड्स, वो क्रिस्टल के अंदर जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, वो क्या प्रॉपर्टी रखते हैं? दैट वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी हियर. कैन यू सी द स्क्रीन? प्रॉपर्टी नंबर वन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो सब्सटेंसेस, वो सॉलिड, वो क्रिस्टल जिनके अंदर क्या है, कौन सी बॉन्डिंग है? आयोनिक बॉन्डिंग है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? अच्छा मुझे ये बताइए कि ये बॉन्डिंग कैसी है, काय की मदद से जन्म ली? बाय द ट्रांसफर ऑफ आयंस. एम आई करेक्ट? आयन. और जब आयंस का ट्रांसफर होता, जब कोई जो है तो इनवैलेंस जो है तो इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहता या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहता, तो ऐसी सूरत में बॉन्डिंग बड़ी मजबूत रहती, और इस वजह से बॉन्डिंग को तोड़ने के वास्ते जब आप हीट देंगे, ठीक है, मेल्ट कर रहे बोले तो क्या, कब मेल्ट होता? पिघलना. पिघलाने के वास्ते क्या करते अपन? टेम्परेचर देते ना, हीट करते ना. यस सर. तो भाई कुछ चीज है वो जल्दी, प्लास्टिक को आप हीट करो, पिघल जाता जल्दी, बराबर है कि? उसके बरखिलाफ आप लोहे को हीट करो, पिघलता जल्दी. नो सर. इसका मतलब किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? लोहे का है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. यानी कि यहाँ पर भी यही बात बता रहे कि वो कंपाउंड जिनके अंदर आयोनिक कम जो है तो बॉन्डिंग है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा. क्यों ज्यादा रहेगा? इसकी वजह यह है कि लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अपने को उसको मेल्ट करने का, बॉइल करने का बोले तो क्या करने का, बॉन्ड तोड़ने का है कि नहीं? जो बॉन्डिंग की मदद से जुड़े हुए हैं उनको तोड़ के क्या करने का अपने को? उनको मेल्ट करने का. तो इसका मतलब उनको मेल्ट करने का मतलब बॉन्डिंग तोड़ने की ना. एम आई करेक्ट? तो ये बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं थी कि कम टेम्परेचर में नहीं टूटती, लिहाजा ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहती ताकि आयंस को क्या कर सके, सेपरेट कर सके. लिहाजा जब अमाउंट को सेपरेट करने के वास्ते, आयंस को सेपरेट करने के वास्ते ज्यादा हीट लगेगी, तो ऑटोमेटिकली हम क्या बोलेंगे कि उस सब्सटेंसेस का, उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड आर बॉइलिंग पॉइंट इज हाई. क्या लो? हाई. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड. ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज हाई, वीक, नॉर्मल, isn't it? या मीडियम. तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड इज वेरी हाई बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द आयंस व्हिच आर बाउंड बाय द स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल फोर्सेस. क्योंकि आयंस किसकी मदद से जुड़े हुए हैं इस कंपाउंड में? कौन सी कुव्वत ने उनको बहुत स्ट्रांग जुड़ा के रखा? इलेक्ट्रिसिटी. और क्यों? अब बीच बोले पॉजिटिव चार्ज एक बन जाता, क्या होता था? ट्रांसफर ऑफ आयंस की वजह से ये बॉन्ड बनता. काई की वजह से? ट्रांसफर ऑफ आयंस की वजह से. ट्रांसफर ऑफ आयंस की वजह से क्या हो जाता? एक मुकम्मल पॉजिटिवली चार्ज होता था और एक मुकम्मल निगेटिवली चार्ज.
और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के दरमियान कौन सा इंट्रैक्शन में से कौन सा किस्म है अट्रैक्शन के? रिपल्शन, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गली बाउंड रहते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स इनके दरमियान कैसी रहती? मजबूत रहती। इसका मतलब इसकी वजह से एटम जो है एक दूसरे को बहुत सख्ती से जुड़े हुए रहते हैं। अब इनको आयंस को अगर दूर करने का तो बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा आपको? हीट देना पड़ेगी। यानी कि अल्टीमेटली आप क्या बोलेंगे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। चले अनदर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? मोसिल गैर मोसिल पढ़ के आया, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। एम ए करेक्ट? आर यू एग्री? यस सर। इलेक्ट्रिक करंट काय की वजह से पास होता? क्या लगता है इलेक्ट्रिक? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट बोलते किसको? करंट का मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। अब कंपाउंड में अब कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जल्दी से? कौन इधर से उधर, इधर से इधर जाएगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री जो रहेगा जाएंगे। ये कंपाउंड में तो अपन पहले बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो नहीं के बराबर है, क्योंकि सब एक दूसरे को जोड़िया लगे हुए हैं। तो फिर उनके अंदर से हीट पास होंगी क्या? नो सर। अब अंदर से अगर हीट पास करा रहे, क्योंकि ऑलरेडी तो फ्री नहीं है। समझ में आ रही बात? आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री आयंस आर रिक्वायर्ड। एम ए करेक्ट? अब खुद के तो फ्री आयंस यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन या मोबाइल चार्ज पार्टिकल तो है नहीं इधर से उधर फिरने वाले। हाँ, अब आप पर आपने उसको जो है कुछ प्रोसेस की, ज्यादा पोटेंशियल अगर लगा दिए, और ज्यादा पोटेंशियल लगाने के बाद कुछ हद तक ये जो आयन जो जुड़े हुए थे ये अगर डिसलोकेट हुए, ये अगर हल गए अपनी जगह से, तो जब जाकर मुमकिन है कि वो काय का काम करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करेंगे, और उस वक्त क्या पैदा होगा? फिर करंट, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। लेकिन ऐसे अगर देखे आयनिक कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड मतलब कौन? आयनिक कंपाउंड किसको बोल रहा मैं? वो कंपाउंड जो क्या कौन की बाउंडिंग के पैदा से पैदा हुए, आयनिक। उसको आप अपन यहाँ पे क्या नाम से पुकार रहे? आयनिक कंपाउंड। सॉलिड आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे क्या वो? नहीं करेंगे। क्यों? उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नहीं है तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन ए पोटेंशियल इज अप्लाइड बिकॉज देयर आर नो मोबाइल चार्ज पार्टिकल्स। No free electron cause the ions to be firmly bound and cannot carry the charge by moving. आगे बात समझ में? कि बाबा electrical conductivity ये नहीं करते। दो property देख लिए, याद रखना ये property। Hardness, hardness मतलब कितने सख्त रहेगा ये solid या ये material या ये crystal जिसके अंदर कौन सा bond है? Ionic bond। Ionic bond है। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि मोस्ट आयनिक कंपाउंड आर हार्ड। कैसे रहेंगे ये? क्योंकि ऊपर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जब ज्यादा है तो इसका मतलब ये कंपाउंड है कैसे? इजीली टूटने वाले है क्या? ऐसा हाथ लगाए तो दबने वाले है क्या? आम अल्फाज में अगर मैं बोलूं तो नहीं। कहीं से कैसे है नेचर में? मजबूत है, हार्ड है। मोस्ट आयनिक कंपाउंड आर हार्ड, the surface of their crystal not easily scratches. वो ionic compound में अगर crystal है, यानी कि ऐसा crystal है जिसके अंदर ions ionic bonding की वजह से वो बना हुआ है, उसके surface के ऊपर आप अगर scratch करना चाह रहे तो आसानी से scratch नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत crystal होता। आपने देखो crystal, आपका हीरा भी crystal है, और हमारे lab में हम sodium KDP या ADP या crystal बनाएंगे तो वो भी crystal है, लेकिन आपके दूसरे जो क्रिस्टल है जिसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग नहीं हुआ, ऐसा 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 करे, आप स्क्रैच करे या दबाए तो आसानी से दब सकते हैं या उनके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। लेकिन हार्ड अगर है कोई क्रिस्टल, उसके ऊपर आपने ऐसा ऐसा कितना भी करो नाखून से, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इजीली स्क्रैचेस वो नहीं होते। इसका ये मतलब क्या हुआ कि वो कौन कैसे है, उनका नेचर कैसा है? सख्त है, यानी कि उनका हार्डनेस ज्यादा है। कौन से? जिसके अंदर
which type of bonding? Ionic. Ionic bond. This is because ions are bond strongly to the lattice and are not easily displaced. काहे के वास्ते hard है बाबा? इस वास्ते कि इसके अंदर ions बहुत ही strongly bond रहते और lattice पढ़ के आए क्या पिछले चैप्टर में lattice किसको बोलते थे? क्रिस्टल का जो lattice बनता तो और lattice is not easily displaced. एक lattice जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता. तीसरा सॉरी फोर्थ वन brittleness. Brittleness किसको बोलते हैं? Brittleness is it is the hardness and rigidity but little tensile strength breaking readily with comparatively smooth fracture. यानी के hardness ही रहता लेकिन एक वक्त के बाद तक जो hardness रहता लेकिन एक मखसूस position पर उसके अंदर गिरावट या flexibility आती उसको क्या बोलते हैं आप? Brittleness. समझ में आ रही बात तनाजा तहरीम? Yes sir. यानी के with comparatively smooth fracture as a glass वगैरह इसको बोलते हैं आप brittleness. यानी हार्ड तो रहता लेकिन एक मखसूस जो है तो कुव्वत के बाद या एक मखसूस फोर्स के बाद उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ उसकी ब्रेक हो जाती उसको क्या बोलते हैं आप? brittleness. तो ये brittleness के बारे में अगर हम बात करें ऐसे कंपाउंड की जिसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग है तो हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल. यानी कि हार्ड तो रहते लेकिन एज एक मखसूस जो है तो कुव्वत के ऊपर उनके अंदर क्या हो जाती? टूट हो सकती. द क्रिस्टल विल शैटर if we try to distort it and this happened because distortion caused the ions of light charges to come close together then the sharply repel. kyun aisa hota brittleness kyun ho uske andar ki iske andar agar hum crystal ki baat kare to iski crystal jo hai to agar ek makhsoos quwwat ke upar shatter ho jata agar humne usko distort kar distort matlab todne ki koshish kare to aur ye isliye hota hai ki ions jo hain jo light wire charges ions hai ions of light charges come close together then they sharply repel. ठीक है ये उसकी प्रॉपर्टी थी. समझ में आई आपको यहां तक? चलो आगे अगले आर्टिकल की तरफ जो कि आज का मेन आर्टिकल था हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग. क्या रहता बाबा आयनिक बॉन्डिंग में? इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम को क्या होते थे? ट्रांसफर होते थे. अब इस किस्म की बॉन्डिंग में instead of transferring of the ions from one atom to the another atom there is a sharing of electrons. share hota share is transfer aur sharing mein farak samajh mein aa raha kya aapko? samajh sakte hain aap? mujhe bol sakte hain itna samajh mein aaya wo literature jaldi se? yes sir. transfer bole to mukammal uske taraf chale jaan aur share bole to waqt ki zarurat par kabhi a mein rahe a atom mein rehna aur kabhi मतलब एक या दो इलेक्ट्रॉन इधर भी रहेंगे और पहले ए वाला अपने को बी के साथ शेयर करेगा. जब बी को जरूरत पड़ेगी तो ए वाला देगा और जब ए वाले को जरूरत पड़ेगी तो बी वाला देगा. यानी कि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर से एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफर नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रॉन दौरान ए प्रोसेस शेयर होगा. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट. क्योंकि पहली बात तो यह है कि बॉन्डिंग में हिस्सा कौन लेते हैं? कल से बोलते आ रहे हम कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नहीं इलेक्ट्रॉन कौन से जो कि आउटर मोस्ट आर यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यस सर. यानी कि इधर के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर है. तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता या रहते वो दोनों तरफ काम करते को इधर के भी और इधर के भी. यानी कि यहाँ पर मुकम्मल ट्रांसफर नहीं होता बल्कि क्या होता? कोवेलेंसी रहती यानी कि शेयरिंग रहती. समझ में आ रही के बात आप? तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग बनती जो बॉन्ड जन्म में आता दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड. याद रखिएगा ट्रांस अभी तो याद है आपको लेकिन कुछ दिन के बाद अगर आपको पूछे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता तो उसमें आपको अच्छी तरह से याद होता. तो नाम पे से तो भी याद रखना कोवेलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का को दोनों में एक मतलब ये क्या होगा? शेयरिंग होगा. यानी कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर रहेंगी वो कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड. जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट. और जिसके अंदर ट्रांसफर रहेगा आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड ऐसा याद रखना. ये अंदर का भूले गया अभी तो नाम पे से याद आ रहा कोवेलेंट.
कोएक्सियल बोलते हैं, मतलब जिसका एक, यानी कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसके भी और इसके भी, यानी कि इसके अंदर खाली बॉन्डिंग के वक्त क्या होता, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता, और दोनों का उन्हें मुश्तरक रहता, को बोलते ना कोएक्सियल, कोलिनियर, क्या मतलब थे कोएक्सियल बोलते जिसका एक्सिस एक है, कोलिनियर बोले तो जो अलॉन्ग दी सेम लाइन है, बोलते ना आप मैथ में, तो वैसे यहां वैलेंट मतलब दोनों की वैलेंसी मुश्तरक है, यानी कि अल्टीमेटली उसका क्या नाम हुआ, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ आयन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इजंट इट, एंड द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्डिंग, इजंट इट, एंड दिस बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद ए स्मॉल डिफरेंसेस इन, अब यहां पर वहां कैसा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता था, एक आयन मुकम्मल पॉजिटिव बनता था, दूसरा मुकम्मल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वहां ज्यादा रहती थी आयनिक में, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, यानी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा नहीं रहेगा, दे विल बी फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड विच आर वेरी क्लोज इन द पीरियोडिक टेबल, आप कौन से एटम्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो वो है अमूमन नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल नॉन मेटल्स के दरमियान, यानी कि पहला आइटम भी नॉन मेटल, दूसरा आइटम भी कौन से नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग रहेंगी वो उमूमन कौन सी बॉन्डिंग रहेंगी, कोवेलेंट रहेंगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ आउटर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आउटर शेयर में कौन रहते, उमूमन यस और पी इलेक्ट्रॉन रहते बिटवीन एटम्स रादर देन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना लाइन याद रखना, कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस बॉन्डिंग कैन बी ऑब्टेंड या दिस बॉन्डिंग कैन बी अटेंड इफ टू एटम्स ईच शेयर वन ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन, सो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैन बी अटेंड, यहाँ पर बता रहे कि इस तरह के बॉन्ड वो बनते हैं, देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आप देखें या कोवेलेंट बॉन्डिंग इस टाइप की रहेंगी, तो आप यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहा सब में, और उसका शेप कैसा बनता, बॉल एंड स्टिक मॉडल ऐसा देखेगा आपकी आप केमिस्ट्री लैब में रखे रहते, देखो और इसको एनिमेशन की मदद से मैं बताता हूँ, ये देखो इधर इसका भी एक इसका भी एक, वक्तिया तौर पर इन्हें इसको नहीं, उसको जो है तो उसका हिस्सा कंप्लीट करता, कोई भी कोई इसका हिस्सा कंप्लीट करता, लिहाजा इस तरह की जो बॉन्डिंग बनी वो डेड बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्डिंग, each electron in the shared pair is attracted to both nuclei involved in the bond and therefore the approach or electron overlapping and the attraction can be visualized as shown in the following, you can see from this animation that how the electrons are sharing from between the two atoms forming a bond, isn't it, I understand basic definition of covalent bonding, yes sir, chalo aage uski bhi property dekhte hain, अभी अपुन चार प्रॉपर्टी किसके देख के आए थे, कौन कौन से चार प्रॉपर्टी देखते थे अपुन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हार्डनेस और ब्रिटलनेस, तो अब इनके उनके अंदर क्या था वो भी देखिए, हम यहां पर भी देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मामला है, तो वी फाउंड दैट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इज देयर in case of the compound which are formed by the covalent bond because each atom is bound by very strong covalent bonds many covalent bond must be broken if solid is to be melted and large amount of thermal energy is required yani ki pehle ki jaisi baat ki sharing ki wajah se bhi bahut zyada strongly jo hai to atom ek dusre ko jude rehte bond itna mazboot rehta ki in yahan pe bhi ions agar separate karne hai to aapko energy kaisi de de thermal energy kitni dena padegi kam ya zyada ज्यादा ही देना पड़ेगा लिहाजा ऑटोमेटिकली बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मामला है कंडक्टिविटी के वास्ते क्या लगते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहेगा अब यहाँ पर भी जो है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है सॉरी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से कुछ हद तक तो जो है तो कंडक्टिविटी है लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि बहुत ज्यादा फ्री क्योंकि अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मॉस्फेट कब रहेगा वो जब ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कमी है
तो ये जो है कंडक्टिविटी के नुक्ते नजर से इट इज द पुअर कंडक्टर, इट इज द, उन्हें पहले वाला तो कंडक्टर ही नहीं था, एम आई करेक्ट? आयोनिक बॉन्ड जो रहते वो yes, तो कैसे थे, दे आर नॉन-कंडक्टर, यानी कंडक्टिविटी नहीं के बराबर थी वहां पर, बट हियर इन केस ऑफ द एटम्स और इन केस ऑफ द बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग एटम्स या कंपाउंड दे आर पुअर कंडक्टर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टूगेदर आर हेल्ड आइदर बाई द एटम्स और विद इन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड दे कैन नॉट मूव थ्रू ए लैटिस। तीसरी प्रॉपर्टी हार्डनेस, कि भाई ऐसे कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की मदद से बने हैं उनका हार्डनेस क्या रहेगा, तो यहाँ पर भी जो है तो हम देखते हैं कि वो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दे आर हार्ड बिकॉज एटम्स आर स्ट्रॉन्गली बॉन्ड इन लैटिस, दोनों एक जैसे रहते कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, एक ही चीज पर फर्क है, कहां पे डेफिनेशन क्या फर्क है, कि आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी के प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म बाय द कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रिटलनेस, अब भी बोला ब्रिटलनेस बोले तो हार्डी, लेकिन जो कुछ अमाउंट की एनर्जी पर टूट सकते हैं उनको बोलते हैं ब्रिटलनेस, कांच भी हार्ड रहती, देखो समझने के वास्ते मैं बता रहा, ब्रिटलनेस टूटने वाला जो मामला है इसका, एक है लोहा और एक है कांच, दोनों भी सॉलिड ही चाहिए नहीं, यस सर लेकिन आप ये देख सकते हैं कि लोहे को तोड़ना इतना आसान है क्या, नो सर, लेकिन कांच का एक कुछ हद तक जाने के बाद कांच टूट सकती, ग्लास टूट सकता, तो उसको बोलते ब्रिटलनेस, यानी कि विच क्या, विच इज हार्डनेस ऑफ कोर्स बट एट ए सर्टन वैल्यू ऑफ एनर्जी देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी इन द सरफेस एंड स्क्रैचेस में भी ऑब्टेन, उसको बोलते हैं आप ब्रिटलनेस। तो इन द केस ऑफ कंपाउंड विच आर हैविंग द कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोवेलेंट नेटवर्क सब्सटेंसेस आर ब्रिटल, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इफ सफिशियंट फोर्स इज अप्लाइड टू द क्रिस्टल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर, अब आपने अगर सफिशियंट फोर्स लगा दिया क्रिस्टल को तो क्या होगा, फिर वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड अब ब्रोकन शुरू होंगे और लैटिस कुछ हद तक डिस्टर्ब होगा, क्यों, क्रिस्टल का जन्म इज क्रिस्टल में कौन रहना, क्रिस्टल बोलते हैं किसको, अपोन पढ़ के आए लैटिस प्लस बेसिस है कि नहीं, Na Cl NaCl इट इज योर लैटिस, तो ये जो लैटिस है वो ब्रोक होगा, यानी कि उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, कब, जब सफिशियंट फोर्स इज अप्लाइड टू द क्रिस्टल, यानी कि ब्रिटलनेस है कि नहीं, फिर उसके ऊपर हार्ड तो है लेकिन एक सफिशियंट फोर्स के ऊपर क्या हो रहा है, इसके अंदर स्क्रैचेस आ रहे या क्रिस्टल का लैटिस डिस्टॉर्ट हो रहा है, टूट रहा, डिस्टॉर्शन बोले तो बिखर जाना, टूट जाना, डिस्टॉर्शन बिखर रहा, इसका ये मतलब हो गया कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती, ब्रिटलनेस। तो कोवेलेंट नेटवर्किंग सब्सटेंसेस आर ब्रिटल, क्यों ब्रिटल, बिकॉज इफ द सफिशियंट फोर्स इज अप्लाइड द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एज ए लैटिस इज डिस्टॉर्टेड एंड शटरिंग ऑकर्स रादर देन डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप, क्या होता, शटरिंग ऑकर्स रादर देन डिफॉर्म, पूरा शेप तो नहीं बदलता लेकिन शटरिंग कुछ हद तक हो जाती, कोवेलेंट बॉन्ड कुछ हद तक ब्रेक होते, लिहाजा हम ये कह सकते ये कौन से किस्म के जो है, तो ये इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती कोवेलेंट कंपाउंड में, ब्रिटलनेस। समझ में आ गया आपको, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में वुमन कौन कौन से प्रॉपर्टीज देखे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। Now, one more thing I would like to share. Comparison of ionic and covalent bonding. क्या comparison है? देखो, इसके मदद से बताने की कोशिश करा। Last, इतना ही article देख के रुका देते हैं, period. देखिए, ये एक आइटम है, ये एक आइटम है। क्या हो रहा है इसके अंदर? मिले, दोनों करीब आए।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिहाजा कौन सा बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड मिला के ये बॉन्डिंग बनी ये करीब आने के बाद। लिहाजा ये एक एटम दोनों मिले मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल बनते वक्त इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आकर शेयर हुआ, यानी कि दोनों की एक जगह छह, ऐसा नहीं कि इन्हें इधर चला गया। लिहाजा ये कौन सी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ये ए एटम ये बी एटम ये इसका निगेटिव अयान से इसका निगेटिव अयान इन्हें पूरी तरह से इधर चला गया। एक वो जो अभी पढ़े वो बताया मैं, नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, वहां पर भी बहुत एक्सप्लेन करके बिल्कुल उसको ओपन करके बता रहा था। यहाँ पर भी वो चीज है, ट्रांसफर हो गया ये इलेक्ट्रॉन मुकम्मल इधर चले गया, लिहाजा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, दुनिया मोर इलेक्ट्रो निगेटिव हो गया, इन्हें कैसा हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, यानी कि इन्हें पॉजिटिव आया सर, इन्हें अब निगेटिव आया सर। इन्हों दोनों जब करीब आए इन्होंने जो बॉन्डिंग बनाए वो बॉन्डिंग कौन सी, आयनिक बॉन्ड। समझ में आ गया आपके दो किस्म के बॉन्ड कुछ समझ गए आप। फिर एक बार अगर मैं रिवाइज करूं तो बॉन्डिंग बंदिश को बोलते हैं, बॉन्ड मेन दो किस्म के रहते, प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्डिंग प्राइमरी बॉन्डिंग के फिर दो तीन किस्में, आयनिक कोवेलेंट मेटालिक बराबर है, और सेकेंडरी के वंडरवाल्स एंड हाइड्रोजन। प्राइमरी के तीन किस्मों में से टू वी हैव सीन, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट अभी हमारा प्राइमरी की तीसरी किस्म बाकी है कौन सी, मेटालिक। मेटालिक isn't it, मेटालिक। व्हिच टाइप ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इज देयर दैट वी विल सी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पीरियड। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, सुमैया इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द पीरियड एग्जैक्टली एट आवर शेड्यूल टाइम 10:15 एंड सो ऑन। सो